गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स आईजीआई एविएशन सर्विस लिमिटेड, जहां पर कस्टमर सर्विस एजेंट्स के कुल मिला के 1905 पोस्टें निकली हुई हैं, उसमें किस तरह से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन में जाएंगे तो सारे आप एक बार जो है इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है फॉर्म फिल करना है और उससे पहले जो है आपको सारे इंस्ट्रक्शन जो है काफ़ी अच्छे से ध्यान से पढ़ लेने हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन फ़ी, जो कि इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी कितनी ली जाएगी वो तो नहीं लिखा है, लेकिन जो इनकी वेबसाइट है वहाँ पर इन्होंने क्लियरली साफ मेंशन कर दिया है कि एग्जामिनेशन फी ऑफ RS 350 इज एप्लीकेबल, फी वंस पेड सेल नॉट बी रिफंडेबल एनी सर्कमस्टांसेस। तो एक बार इसको आप जरूर देख लें, ठीक है। इसके बाद इसको आप जो है चेक बॉक्स पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये फॉर्म है 5 जनवरी से ही ऑलरेडी आ गया है, लास्ट डेट जो है 31 मार्च है, जो एग्जामिनेशन डेट जो है टू बी अनाउंस यानी कि अनाउंसमेंट होगी। उसके अलावा यहाँ पर 15 डेज ऑफ द एग्जामिनेशन के बाद जो है आपका रिजल्ट आएगा। और यहाँ पर मैं फिर से कह रहा हूँ फॉर्म भरने से पहले एक बार आप ज़रूर इसके बारे में जाँच लें, पड़ताल लें, देख लें, उसके बाद यहाँ पर आगे फॉर्म भरें, ठीक है। उसको सारे इंस्ट्रक्शन आप ऊपर अच्छे से पढ़ लें। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना जो भी आपका टाइटल है वो लिखें, देन यहां पर आप देख सकते हैं अपने फादर नेम, देन यहां पर अपना डेट ऑफ बर्थ, उसके अलावा नेशनलिटी, उसके बाद जेंडर मेल फीमेल, यहां पर कैटेगरी जरूर यहां पर सेलेक्ट करें, उसके अलावा मैरिटल स्टेटस, देन चूज एग्जामिनेशन सेंटर। तो आप देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में जैसे मैंने जो इसका नोटिफिकेशन था वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो क्या बोलते हैं एग्जामिनेशन सेंटर है ऑल ओवर इंडिया में है, और यहाँ पर जो उत्तराखंड में है आप देख सकते हैं देहरादून में है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस आप बहुत अच्छे से भरें, ठीक है। एड्रेस लाइन 1 सिटी स्टेट किस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, सॉरी किस स्टेट से हैं वो यहाँ पर लिखें, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर 1 एंड कॉन्टैक्ट नंबर 2। देन आपकी बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस प्रकार होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है इसमें इन्होंने मांगी है 12th इसकी क्वालिफिकेशन है, उसके अलावा 10th और 12th यहाँ पे आप अच्छे से भरें, यानी कि किस इंस्टीट्यूट स्कूल से किया है, बोर्ड नाम और पासिंग ईयर, ठीक है, इस तरह से है, और इस तरह से आपका ग्रेजुएशन, यानी कि इसमें यहाँ पर 3 स्पॉट दिए हुए हैं, 10th, 12th और जो है ग्रेजुएशन। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्नल, यानी कि आधार में क्या आपके डिटेल्स हैं, यहाँ पर आपका फुल नेम, आधार नंबर, उसके अलावा यहाँ पर मेंशन सोर्स, यानी कि यहाँ पर उन्होंने साफ लिखा है कि आपको इस भर्ती के बारे में कहाँ से मालूम चला, तो आप यहाँ पे एग्जैक्टली जिस सोर्स से आपको मालूम चला वो लिख सकते हैं, कॉर्पोरेट वेबसाइट, कंसल्टेंट, एम्प्लॉई रेफरल, जॉब पोर्टल, मीडिया, सोशल मीडिया, सीबी बैंक, अदर, जो भी जहाँ से आप हैं तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। अगर मैं अदर्स में लिखता हूँ तो ऐसा कुछ है नहीं कि हमको लिखना है कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप अपलोड योर फोटोग्राफ और यहाँ पर एक बार प्रीव्यू इसको आप कर लेंगे, यानी कि पूरा जो आपने फॉर्म भरा है एक बार फिर से चेक कर लें कि आपने कुछ डिटेल गलत तो नहीं मेंशन की है। तो जैसे ही यहाँ पर आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट स्टेज में लेके जाता है, जहाँ पर आपको 350 रुपये पे करने पड़ते हैं बाय, उसको आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो जैसे ही आप उसको ऑनलाइन पे कर देंगे तो आपका फॉर्म जो है यहाँ पर सबमिशन हो जाता है। आई होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक की बटन को दबा दें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पर आपको मिलती रहती हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स वॉचिंग मी, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।